का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को, मैं आज संडे है तो संडे को मैं क्यूएनए वीडियो लाता हूँ। तो बेसिकली आज मैं गया हुआ था, एक शादी का पार्टी था उसके अंदर मैं गया हुआ था, तो थोड़ा टाइम नहीं मिला हमको वीडियो बनाने के लिए। और कल मेरा फिर ड्यूटी है तो हमको टाइम नहीं मिलता, इसके लिए मैं वीडियो गाड़ी के अंदर ही शूट कर, अभी मैं गाड़ी के अंदर हूँ और जा रहा हूँ रूम। थोड़ा टाइम लग जाएगा, यहाँ पे मेरे पास टाइम अभी हो रहा है, रात का 10 बज रहा है, रूम जाते जाते हमको 12 बज जाएगा। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना गाड़ी के अंदर ही वीडियो शूट करके आप लोगों को अपलोड करके आप लोगों को बता दिया जाए। तो दोस्तों आप लोग बहुत सारे मेरे वीडियो पर कमेंट किए थे और बहुत सारे आप लोग सवाल पूछे हुए थे, तो मैं सबका जवाब देने वाला हूं अपने इस वीडियो को। चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। दोस्तों जो पहला सवाल को मैं लिया हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक भाई ने कमेंट किए हैं और कमेंट करके पूछे हैं कि भाई मेरा बैक साइड पे चेचक का दाग है, तो मैं मलेशिया आ सकता हूं कि नहीं आ सकता। मतलब चेचक का दाग एक होता है, एक स्किन प्रॉब्लम होता है, तो वो उनको हुआ है और वो पूछ रहा है कि जब मेरा स्किन प्रॉब्लम होता है मैं मलेशिया आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, मैं मतलब मेरा मेडिकल पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग आ सकते हो मलेशिया में, स्किन प्रॉब्लम तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेडिकल पास हो जाएंगे, बशर्ते आपका शरीर के अंदर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब शरीर के अंदर में आप लोग दाग नहीं होना चाहिए, आपके चेस्ट के अंदर में दाग नहीं होना चाहिए, आपके आई में, आई से आप लोग का अच्छा खासा दिखना चाहिए। ठीक है, स्किन के ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हो। ठीक है, मलेशिया के अंदर में डिपेंड करता है कि आप लोग किस काम से आ रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग वर्कर से आ रहे हो, जनरल वर्कर से आप लोग आ रहे हो, लेबर क्लास में आप लोग आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्किन प्रॉब्लम में भी आप लोग आ सकते हो, मलेशिया के अंदर में काम करने के लिए आ सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में एक भाई ने कमेंट किए हैं कि भाई मेरा एजेंट बोल रहा है कि मलेशिया का इमिग्रेशन जो है बंद हो चुका है और कब तक खुलेगा। मतलब इनका एक एजेंट है, ये किसी एजेंट के थ्रू काम करा है, और इनका एजेंट जो बोल दिया है क्या कि मलेशिया का इमिग्रेशन ही बंद हो गया है, मलेशिया में इमिग्रेशन ही नहीं लग रहा है, मतलब पासिंग आउट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मलेशिया के अंदर में भी वर्कर आ रहे हैं। ठीक है, इमिग्रेशन बंद नहीं, अगर आप इमिग्रेशन बंद ही जाता है तो मलेशिया के अंदर में वर्कर कैसे आता। दोस्तों आप लोग का जो एजेंट है, आप लोग का एजेंट अभी झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही फंसा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब नहीं होता है कि तो फंसा की कोशिश कि आप किसी दूसरे जगह ना जाओ, आपका जो पैसे ले लिया, आपका पासपोर्ट ले लिया है, तो आपको बता देगा कि हाँ इमिग्रेशन जब चालू हो गया तो आप लोग जाओगे उसके पास, दबाव डालोगे कि भाई मेरा तुम पैसा ले, लेकिन मेरा जल्दी अब तुम काम नहीं करा रहे हो। तो इसके चलते आप लोग एजेंट जो है झूठ बोल रहा है, मलेशिया के इमिग्रेशन चालू हो गया, मलेशिया में भी वर्कर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगला सवाल में एक भाई ने कमेंट किया, ब्रदर इंडिया से प्लांटेशन की कॉलिंग नहीं लग रही है, क्या है। तो दोस्तों इंडिया से प्लांटेशन का काम लग रहा है, प्लांटेशन की कॉलिंग नहीं कर रहा है, प्लांटेशन के काम में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बहुत सारा वर्कर अभी आ गए हैं मलेशिया के अंदर प्लांटेशन कंपनी में काम करने के लिए। दोस्तों एक और भाई ने कमेंट किए हैं जिसमें वो पूछे हैं क्या कि भाई जो आप एक एग्रीमेंट पेपर अपलोड किए थे कुछ दिन पहले, मैं एक एग्रीमेंट पेपर अपलोड किया था मैं चैनल के ऊपर में, और उसमें मैं मलेशिया के जो रूल्स होते उसके दिखाया हुआ था उस मतलब वीडियो के अंदर में उस एग्रीमेंट पेपर के ऊपर में। तो दोस्तों एक इसी पे एक भाई ने कमेंट किए हैं कि सब कंपनी का रूल सेम ही होता है क्या मलेशिया के अंदर। दोस्तों जहाँ तक है कि 90% सेम ही होता है, 10% चेंज होता है रूल। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट आता है, जो मेन पॉइंट उस वीडियो में बताया हुआ था, वो सब सेम ही रहता है, लेकिन माइनर कोई कोई पॉइंट जो रहता है वो सेम नहीं रहता, लेकिन अधिकतर पॉइंट जो रहता है सेम ही रहता है। तो आप लोग को जो रूल्स बताया हुआ था आप लोग को उस रूल को फॉलो करना है मलेशिया के अंदर में जब भी आना है आप लोग को। ठीक है, इतना ही सवाल लिया हुआ था अपने वीडियो के ऊपर, सोचा कि जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही सवाल लिया था इस वीडियो के अंदर में, आप लोग का डाउट क्लियर करना था कि अगर आप लोग का जो आप लोग बहुत सारे माइंड में डाउट रह रहा था कि मलेशिया का जो इमिग्रेशन है चालू हुआ कि नहीं, तो मलेशिया का इमिग्रेशन चालू हो गया, सभी सेक्टर के वीजा जा रहा है, आपके स्किन पे प्रॉब्लम था, आप लोग आ सकते हो मलेशिया के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मलेशिया के अंदर में आ सकते हो। तो बस इन्हीं सवाल का मैं जवाब देने के लिए सोचा क्यों ना मैं आप लोग को यहीं से वीडियो बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि अभी रूम में जाऊँगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा और कल फिर मेरा ड्यूटी है तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और आप लोग को टाइम पे टाइम वीडियो देना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आशा करता है आप लोग वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, मेरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देख लेते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।